हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन कोशिश करूँगी अब एक दिन में दो वीडियोस डाल के आप लोगों के कोर्स फटाफट कंप्लीट करवाऊँ और आपका 18 नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दे दूँ कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग ज़्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करेंगे और फटाफट आज की वीडियो शुरू करेंगे। आज हिंदी 2016 का पेपर मैं आपको कराऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर कराने के साथ साथ इसका पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुंचाना चाहिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्य, अभि या अभ्या? तो इसका करेक्ट आंसर है अभि, अभ्यागत। अभि प्लस आगत, इसका करेक्ट होता है मीनिंग। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस आगत होगा, अभ्यागत। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है। तो रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा है, रम प्लस अनीय, रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारण बजी सरहथी बाण की वायु उड़ाव कैलक्षण करो अरि समर्थ। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है हमें ये बताना है। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें रस कौन सा है, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस? इसका करेक्ट आंसर है रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 4, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार में छंद है, ये कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, रोला है या बरवे है? ये हनुमान चालीसा से ली गई पंक्तियाँ हैं, इसमें हमें बताना है। तो हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ दोहे के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य शुद्ध है इनमें से कौन सा? मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, गीता मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो आप लोगों ने शुद्ध वाक्य तो आप लोगों को आते ही हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु? जब हम लोग जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे हिंदी की भी डिक्शनरी होती है, अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें से कौन सा शब्द सबसे लास्ट में आएगा? तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे लास्ट में आएगा क्लीव शब्द, क्लीव सबसे एंड में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चराचरम जिसका मीनिंग होता है जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारी? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्मधारी समास है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है? अगर किसी शब्द के बारे में हमें मीनिंग बताना है तो उसका सबसे अच्छा इनमें से क्या उपयोग कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? तो करेक्ट आंसर है वाक्य प्रयोग, किसी भी शब्द का वाक्य प्रयोग करके हम उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है इनमें से, कौन सी नहीं है भाषा शिक्षण की पद्धति? किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डेक्रोली या अभिक्रमित अनुदेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण में यूज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है किसका इनमें से? मोंटेसरी, महात्मा गांधी, फ्रॉबेल या क्लिपैट्रिक? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था, उनकी एक बुक भी है उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है इनमें से क्या? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभिव्यक्ति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? तो हम कभी भी व्याकरण की जगह शिक्षा देते हैं तो कक्षा अभिनय प्रणाली को यूज़ नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर नाटकों या कहानियों में यूज़ होती है कक्षा अभिनय प्रणाली।
आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो इस पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। करेक्ट आंसर मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 13, आदिकाल की रचना है इनमें से कौन सी? अखरावट, छत्रशाल दशक, दीपशिखा या खुमान रासो? तो आदिकाल में जो लिखा गया था वो खुमान रासो लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, इनमें से कब आता है उद्देश्य कथन? आप लोगों ने जब कोर्स किया होगा बीएड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, जब पाठ योजना हम लोग बनाते हैं लेसन प्लान तो उसमें ये सब करते हैं। पूर्व ज्ञान के पश्चात उद्देश्य कथन आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है या मौन वाचन से पूर्व आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ उद्देश्य कथन आता है। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काएं या आलोक पर्व? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध का संग्रह है उसे चिंतामणि कहते हैं, चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में से ही आपका एक निकल जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन है कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1972 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला और मृत्यु का इच्छुक। तो मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। सामिष जो मांस के साथ भोजन होता है, निरामिष जो मांस रहित भोजन होता है। शहद शब्द है इनमें से कौन सा शब्द है? शहद तत्सम, तद्भव, देसज या आगत? तो शहद हम आगत शब्द कहेंगे शहद को। क्वेश्चन नंबर 19, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मतलब कि वनिता की हमें मीनिंग बतानी है। तो वनिता नाम की एक मैगजीन भी आती है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी तो, ये लेडीज़ के लिए स्पेशल होती है। तो ऑप्शन से हम इसके क्वेश्चन से हम आंसर का पता लगाएंगे, जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसाय। तो वनिता लेडीज़ के लिए मैगजीन होगी तो इसका मीनिंग भी स्त्री होगा, स्त्री। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, देव का, सूर्य का या कामदेव का? तो मुकुंद कहते हैं कामदेव भगवान को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं कबीर दास जी। क्वेश्चन नंबर 22, करपट का तद्भव रूप है इनमें से कौन सा? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा? तो करपट माने कपड़ा, करपट को कपड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है इनमें से? मतलब कि दोनों पेयर में दोनों ही करेक्ट कौन से हैं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं नहीं लिखा, नहीं हाईलाइट किया होगा तो उसको जरूर देखिएगा, दोनों शब्द शुद्ध हैं वो बताइएगा, अगर अशुद्ध पूछा है तो वो भी बताना है, क्योंकि हो सकता है सारे शुद्ध दे दिए हों और हमें बताना पूछा हो कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से लोग मिस्टेक करके एक आध नंबर खो के आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अब इसमें से बताना है शुद्ध युग्म कौन सा है, बारात या बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत या बारात और वसंत? तो बारात होता है और वसंत होता है, बसंत नहीं होता, वसंत होता है, बारात नहीं होता, बारात होता है। अर्ध स्वर है इनमें से कौन सा, य व ई उ रीस और ल री और श? तो अर्ध स्वर कहते हैं य और व को। क्वेश्चन नंबर 25, मुहावरा चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ कौन सा है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना,
अपराधी का शंकाग्रस्त अपराधी होगा। यहाँ पे ये अपराधी स्पेलिंग मिस्टेक है, अपराधी पीडीएफ में ये सही है, का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान होना, हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। तो इसका करेक्ट आंसर है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आगार, प्राकथन, प्रस्तावना या पिस्टपेशन। तो करेक्ट आंसर है पिस्टपेशन, कि एक बार कही बात को बार बार रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन शब्द संज्ञा में आता है, सर्वनाम क्रिया या विशेषण में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशेषण, बुद्धिहीन शब्द विशेषण है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान के द्वारा, संबंध का, के की, अधिकरण में पर, और एक लास्ट वाला संबोधन हे अरे। तो ये सारे हमारे कारक होते हैं, इन कारकों के बेस पे हम किसी भी वाक्य में बताते हैं कि कौन सा कारक यूज़ हो रहा है। छत से ईंट गिरी, कहाँ से गिरी? छत से। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान के द्वारा, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो हम उसको अपादान कारक के अंडर में लेते हैं। तो छत से ईंट गिरी है ना, मतलब छत से ईंट अलग हुई है, तो अपादान की कारक इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महोर्मी का संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी। ऊ इसमें देखना है आपको, एक में छोटी ऊ की मात्रा दी हुई है, जैसे इस वाले में छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है और इसमें बड़ा ऊ दिया हुआ है, इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, तो बस यही एक ज़्यादा फेंक है। महत तो नहीं होगा क्योंकि महा प्लस उर्मी होता है इसका संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, महा प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर 3। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सुपर 30 का 30 क्वेश्चन, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है विशिष्ट, असिस्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग अगर लड़ाएंगे तो 12th क्लास में इकोनॉमिक्स जिन बच्चों ने पढ़ी है हिंदी मीडियम, तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं समष्टि का अपोजिट वर्ड होगा विपरीतार्थक शब्द व्यष्टि। यही ख़त्म होते हैं आज के सुपर 30, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और मैं कोशिश करूँगी डेली 2 वीडियोज़ देने की, जिससे जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो। और आप जो बच्चे मेरी वीडियो के आशा पर टिके हुए हैं कि हाँ इसकी बदौलत हम लोग ये पूरा पेपर कवर कर लेंगे और क्रैक कर जाएंगे, उनको मैं बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगी। मैं बिल्कुल कोशिश अपनी पूरी रखूंगी कि मैं इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूं कि सारा क्वेश्चन आपके उसी पेपर में से ही आए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।